सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ गया हूँ। फिर से आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ। और दोस्तों, ये खुशखबरी झारखंड के लोहरदगा चौकीदार से संबंधित निकल करके आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड के लोहरदगा जिला में चौकीदार का जो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेड लिस्ट था उसको जारी कर दिया गया था, और इस पर मैं वीडियो बना करके और आप लोगों को बताया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों का इसका बेसब्री से इंतजार था कि रनिंग डेट कब है, यानी उन लोगों का परीक्षा तिथि कब है, परीक्षा कब लिया जाएगा, और साथ ही उन लोगों का फिजिकल है वो कब होगा। तो इसे संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, और उसमें आप लोगों का सब कुछ बता दिया गया है कि आप लोगों का लिखित परीक्षा कब होगा, कब आप लोगों का रनिंग होगा। इसे संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बने रहिए, आप लोग वीडियो को सुनते लास्ट देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे नोटिस शो हो रहा है, यही वो नोटिस है जो कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय लोहरदगा से इसको जारी किया गया है। इसमें आप लोगों का आवश्यक सूचना में बताया गया है कि उपायुक्त लोहरदगा की अध्यक्षता ने आहूत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्देशानुसार लोहरदगा जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2024 में योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों हेतु लिखित परीक्षा की तिथि दिनांक 28 सितंबर 2024 28/9/2024 को निर्धारित की गई है। यानी कि आप लोग का चौकीदार का लोहरदगा चौकीदार का जो लिखित परीक्षा है उसका तिथि यहाँ पर 28 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसका तिथि को निर्धारित किया गया है। उक्त के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22/9 यानी कल से आप लोगों का 22/9/2024 से अपने संबंधित बीट के अंचल कार्यालय से परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो मिलना शुरू हो गया है कल से ही, यानी 22 सितंबर से ही आप लोग अपने संबंधित बीट क्षेत्र में आपका जो अंचल होगा आप अपने अंचल में जा करके और अपना एडमिट कार्ड को ले लेंगे। परीक्षा से एक दिन तक आप अपना एडमिट कार्ड को जा करके अपने अंचल में ले लेंगे। आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रवेश पत्र पर अपने अंचल से नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे परीक्षा के एक घंटे पूर्व तक समाहरणालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि वैसे छात्र छात्राएँ जो कि अपना अंचल में जाते हैं और वहाँ पर अंचल से प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपना एडमिट कार्ड को, तो इसके बाद आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो जिस दिन परीक्षा है 28 सितंबर को, उससे एक घंटा पहले आप लोग 28 तारीख को एक घंटा पहले एग्ज़ाम से पहले आप लोग जा करके समाहरणालय में और आप अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को ले सकेंगे। आप लोग का वहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। अभ्यर्थी नियुक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी जिला के अधिकृत वेबसाइट lohardaga.nic.in पर जिला सामान्य शाखा समाहरणालय लोहरदगा से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इससे संबंधित और भी जो जानकारी है वो आप लोगों का www.lohardaga.nic.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है, आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में यही आप लोग को बताया गया था, आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 28 तारीख को होने वाला है, 28 सितंबर को होने वाला है। आप लोग का एडमिट कार्ड है वो मिलना शुरू हो गया है, आप लोग अपने अंचल में जा करके और अपना एडमिट कार्ड को ले लेंगे। तो दोस्तों, ये था झारखंड लोहरदगा चौकीदार से संबंधित आया हुआ लिखित परीक्षा से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।